कितने इजी स्टेप्स में आपके सामने दाल चना कढ़ाई की रेसिपी प्रेजेंट की है, आपको कैसी लगी है आप मुझे जरूर बताइएगा। और इस तरह की दालें बनाकर आप जो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हैप्पी संडे टू यू ऑल एंड आई एम श्योर यू विल बी स्पेंडिंग बेस्ट फैमिली टाइम ऑन संडे, क्योंकि संडे एक ऐसा दिन होता है कि सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होते हैं और संडे को बना देते हैं फंडे, मजे मजे के पकवान पकते हैं, डिशे बनती हैं, चिटचैट होती है और हल्ला गुल्ला भी होता है। तो मेरा संडे फंडे जो है कोई स्पेशल रेसिपीज या कोई कोई ग्रैंड कोई कुजीन में शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ दाल रेसिपी। और दाल रेसिपी वो बन रही है जिसको कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, और मैं आपसे कहूंगी घर की दाल मुर्गी बराबर। जी हाँ, बन रहा है दाल चना कढ़ाई, बिल्कुल मजेदार फ्लेवर वाली जबरदस्ती दाल चना होगी, और वो दाल चना आपने कभी खाई भी नहीं होगी। न्यू आइडिया, न्यू रेसिपी और न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। वेलकम टू कौसर एलवी लाइफस्टाइल। आर न्यू कमर्स, मेरे कंटेंट को अगर लाइक करें तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर करें और कमेंट्स करें। तो चलिए जी, किचन में तब जाएंगे जब टेस्टिंग का टाइम होगा। मैं अपने ठंडे कमरे में से आपसे इंट्रो कर रही हूँ, पहले ग्रीटिंग्स कर रही हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप रेसिपी दिखाते हैं, फॉलो करें। दाल लवर, दाल अगर आपने खानी है तो वैरायटी से बनाएं, डिफरेंट आइडिया से बनाएं, मजा भी आएगा और आप एंजॉय। रहमान रहीम फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये दाल चना को सोक किया था मॉर्निंग में, और इस वक्त शाम के 6 o'clock हो रहे हैं, मॉर्निंग का मतलब है 10 o'clock पे ब्रेकफास्ट टाइम पर। और ये इसका जो दाना है ना, ये देखे बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, और इसको पानी में भिगाने का मकसद ये होता है कि सिर्फ दाल जल्दी नहीं गलती बल्कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स हमें जब मिलते हैं जब दाल पानी में अच्छी सी सोक हो जाए। तो आपने अच्छी सी वैरायटी दाल लेनी है, जो बकरों को दाल डालते हैं वो नहीं लेनी, वो हार्ड होगी और उसमें गलने में बहुत टाइम लगेगा बल्कि पॉसिबल ही नहीं होगा। यहाँ पे 2 बड़े टमाटर है मेरे पास, अगर छोटे हैं तो 3 ले लें, ग्रीन चिल्लीज जाएंगी, और ये हमारे पास है जिंजर, इसके श्रेड जैन में डालेंगे, सबज धनिया डालेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं दाल चना कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाई में हमने ऑयल डाला, इसके अंदर हमने डाल दिया लहसुन अदरक से सौते करेंगे गोल्डन तक, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे, टेस्ट चेंज हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें प्लेस कर देंगे टोमेटोस, देखिए इसका अच्छा सा अरोमा आ रहा है, इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक ज़्यादा जा रहा है यानी 2 teaspoon, इसमें टोमेटोस को प्लेस कर देंगे, थोड़ा सा कवर करेंगे, और अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें 1/2 glass पानी डाल दें और इसे कवर कर दें ना फ्यू मिनट्स, दे आर विल बी सॉफ्ट, और हम इनकी जो है ना वो स्किन को रिमूव कर लेंगे। ठीक है जी, दाल डाल दें बल्कि इसके बाद मैंने पानी डाल दिया था, और 15 मिनट तक दाल जो है हमारी टेंडर हो जाएगी। नमक, मिर्च और हल्दी है, ये हमारे ग्राइंड स्पाइसेस हैं, इस वक्त हम इसमें ये डाल देंगे और इसके अंदर 2-3 glass, 4 glass पानी डाल देंगे, जाके ये टेंडर हो जाए, इतना पानी डालेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए अब मैं इसे कवर कर दूँगी और 15 मिनट्स के बाद इसे चेक करके आपको दिखाते हैं कि दाल की पोजीशन क्या है। यहाँ पे मैं टोमेटोज की स्किन को रिमूव कर रही थी, और इसी टोमेटो के पल्प से हमारी प्यूरी बन जाएगी, अच्छा सा मसाला ग्रेवी जैसा हो जाएगा और यमी सी दाल कढ़ाई तैयार हो जाएगी। इसे मैश करेंगे, और यहाँ पर है धनिया और ज़ीरा, 1-1 teaspoon है, इसे हम कोर्स ग्राइंड करेंगे या तो आप इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में कर लें, मैं इसे मैनुअली कर रही थी क्योंकि वो ज़्यादा बारीक कर देता है। ये देखिए अब ये इसमें एंड में जाएगा उतारने से 5 मिनट पहले, दाल की लुक बहुत अच्छी आ रही थी, इसमें ग्रेवी सी बन चुकी थी टोमेटोज़ की, नो अनियन है रेसिपी में, अनियन बिल्कुल भी नहीं गया, और भुनाई का जो प्रोसेस था उससे इसका ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है फ्रेंड्स, आपको मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है। नो अनियन रेसिपी, ना कोई तड़का ना कोई मसाला बनाओ भुनाई करो, सिंपल सी रेसिपी है जिसका फ्लेवर ऑसम है फ्रेंड। मैं इसमें अब 2 ingredients वाले मसाले डाल के इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन आपको दिखाती हूँ। भुनाई हो रही है और इस स्टेज पर हम धनिया और ज़ीरा जो 1-1 teaspoon था वो इसमें डाल के इसकी भुनाई करेंगे, और एंड में हम इसे गार्निश कर रहे हैं बिल्कुल जैसे कढ़ाई में। और ये दाल तकरीबन 15 मिनट्स में टेंडर, बहुत हॉट है बट ये बिल्कुल गल चुके हैं, बेफिक्र हो जाए कि दाल गली नहीं है, दाल की लुक से नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल गली हुई है, क्योंकि हमने कच्ची दाल खिला के घर वालों को बीमार तो नहीं करना। ये मेरे डिनर की रेसिपी है, ये थोड़ी सी चिलीज और जिंजर जूलियन चिलीज के मैंने सीड्स निकाल दिए हैं। कितने इजी स्टेप्स में आपके सामने दाल चना कढ़ाई की रेसिपी प्रेजेंट की है, आपको कैसी लगी है आप मुझे जरूर बताइएगा।
और इस तरह की दालें बनाकर आप जो बच्चे दाल नहीं खा रहे थे, जिन फैमिली मेम्बर्स को दाल खाना पसंद नहीं होता, वो भी दाल खाएंगे। रोटी आ रही है और मैं इसको दिखाती हूँ आपको टेस्ट करके कि ये माशाल्लाह सच प्रिटी लुक। मेरी दाल कढ़ाई रेडी हो चुकी है, फ्लेवर आ रहा है, गार्निश करें इसे और बिस्मिल्लाह पढ़ के एंजॉय करें। जी हाँ, ले आई हूँ आपके सामने दाल, चना की कढ़ाई दाल, और इसको करते हैं टेस्ट। दाल में चिकन का फ्लेवर कमाल, जिंजर की स्मेल आ रही है, टेस्ट आ रहा है, फ्लेवर आ रहा है। अब फ्रेंड दूसरी बात ये कि मैंने ऑयल कंटेंट इतना ही रखना होता है, देख रहे हैं ना, नो मोर ऑयल। अगर आप इसमें तारने से पहले बटर का एक लगा देंगे ना, बटर का एक पीस डाल देंगे, तो ये जो हो जाएगी ये मखनी चिकन दाल कढ़ाई बन जाएगी। ठीक है जी, मुझे ये चिकन कढ़ाई दाल बहुत चना दाल कढ़ाई बहुत अच्छी लगी है। आपको कैसा लगा मेरा आइडिया? वही टोमेटोज, वही हरी मिर्चें, वही जिंजर, उसी तरह सिर्फ चिकन की जगह मैंने यूज की है दाल। जी हाँ, दाल में भी प्रोटीन है और मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है। तो ये थी आज की अपडेट, संडे फंडे एंजॉय करें, खुश रहें और मिलूंगी किसी नई अपडेट के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।